It is Dhan Singh reporting. Oh, Babu Sahib. Babu Sahib. अरे Dhan Singh. क्यों चिल्ला रहे हो यार? अरे Babu Sahib देखो हो गए आज क्या लाए हो? क्या लाया? अरे देखो तो सही. अरे वाह! अरे ये तो जंगली मुर्गा है. कहाँ से मिल गया तुम्हें मुर्गा? Babu Sahib क्या बात करते हो आप? मैं इस जंगलात का चौकीदार हूँ, सरकारी आदमी हूँ. अरे वो बुड़ल गांव के सुबेदार का लड़का है ना नरी, हाँ उसी ने छोरों को नीचे मार दिया उस मुर्गे को. इसको मार रहे जंगल के मुर्गे को. अरे मुझे बच्चक था तो भला क्या क्या मैंने देख लिया और पकड़ के कमर में दिए कब्जा आले को. और गलत भी हो पर ठीक भी हो. अब वो कभी जंगल की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा. Babu Sahib आज तो अपनी दावत होगी. चलो दोनों मिलकर मुर्गा बनाते हैं. और तुम ये बोतल भी खोल लो. अरे वाह! पर Dhan Singh हाँ भैया फीका मुर्गा बनाओगे क्या? नमक मिर्च कहाँ से आएगा इस जंगल में? अरे तो ये क्या जाए Babu Sahib, सब इस पोटली में है. बड़े काम के आदमी निकले Dhan Singh तुम. हाँ Babu Sahib काम का आदमी तुम्हें ठहरा. अरे Dhan Singh हाँ Babu Sahib एक ग्लास तो लाना यार. हाँ Babu Sahib ये लाओ Babu Sahib. कहाँ से लाया यार इसको? ये लो Babu Sahib. क्या है भैये? अबे ला लगी और कहने लगी कि मेरे घर में दो दो भूखी
भैंसे हैं, अगर बाज काट कर नहीं ले गई तो सास डांटेगी और भैंस भूखी मर जाएगी। अब ऐसे में मैं क्या करता बाबू साहब, आप ही बताओ मैं ऐसे में क्या करता। बहुत ही नरम दिल ठहरा मेरा बाबू साहब, बहुत ही नरम। फिर मैंने बांझ काट के गट्ठर बना के उसके सर पे रख, बहुत ही नरम दिल ठहरा मेरा बाबू साहब, बहुत ही नरम। अरे बाबू साहब एक और रोटी लो, एकदम बढ़िया मुर्गा बना, चलो। नहीं नहीं धन सिंह, बहुत खा ले चो। मुरली को टोटो, मुरली को टोटो, बाबू साहब को खिलाओ एक और रोटो। एक टुकड़ा सुपारी तराजू तोल देता हूँ, मैं और ना खा सकनू, जय हिंद बोल देता हूँ। बाबू साहब, अरे आप भी ना एकदम अड़िया के। अरे क्या बोल रहे हो? अरे सही कह रहा हूँ बाबू साहब, मैं नहीं मिलता ना आपको तो दो दिन भी नहीं टिक पाते आप इस डाने में। अरे सबसे नजदीक में नौ गांव है और वो भी 3 मील दूर। अब पता बाबू साहब, इस ओर तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर पीछे में सीधी ढाल है, बागेश्वर सोमेश्वर जोगेश्वर और पांव फिसला तो सीधे रामेश्वर। अरे कुछ तो इंतजाम कर लियो था बाबू साहब। अरे धन सिंह, अरे उठो उठो। अरे प्रेमी मन का भी इंतजाम ही हुआ है भला जो अब होगा। रुकमास को इसी जगह मिलने को कहा था, वो चला आया। अरे लेकिन कब तक ऐसे चोरी छिपे मिलते रहोगे बाबू साहब? सब तो गलत हो रहा है पर सब ठीक भी हो रहा है। वो क्या है ना बाबू साहब, गांव के लोग अब फुसफुसाहट करने लगे हैं। अरे गांव के लोग, अब इन लोगों को तो और कुछ आने वाला ठहरा नहीं, बस फुसफुसाहट में ही माहिर है। ओ कटना कटना ओ पुली उच्चे हो पानी मिलो साहब, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, फिर परसों आऊंगा। अरे अरे धनसिंह, हाँ धनसिंह, मुझे एक न्योली याद आई। अच्छा हाँ। अरे तो गा के सुनो, गा के सुनो। नहीं नहीं ऐसे ही सुनो। अच्छा बोलो। धारा में देवी को थान दूधई ले नवायो, धारा में देवी को थान दूध ले नवायो, तेरो जूठो मैं ना खात्यू माया ले खवायो। प्यार हुआ, इकरार हुआ, बाजरे के खेत में इंतजार हुआ। बाजरे के खेत। बाबू साहब एक गली मैं भी सुना, सुना सुना सुना। खुकरी की म्यानी, 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 खुकरी की म्यानी। अरे खुकरी को म्यान से बाहर तो निकालो। खुकरी की म्यानी, खुकरी की म्यानी, झट ए जसुआ ने जानी जवानी, खुकरी की म्यानी, खुकरी की म्यानी। क्या बात कही धन सिंह। अरे चला सुन, यही सो जा, कल सुबह चले जाना, देख अंधेरा होने वाला है, कहा जाएगा इस अंधेरे में। नहीं बाबू साहब मैं जाता हूँ। अरे आज जुनेली रात है, सूर्य अस्त तो धन सिंह मस्त। अरे धन सिंह मस्ती में चला जाऊंगा, आप आराम से लाइटे रहना बाबू साहब। काट मा माठ माठू कटे।
ताट मामा टमाटू कटना थाना छटका ना उ जाओ हरो छो जुनेली रात मा छटका ना उ जाओ हरो छो जुनेली रात मा मुकाट मामा टमाटू के साथ चल हाँ जल्दी चला हाँ यदि
पीसा हुआ पत्थर अब इस कपड़े में बांध दे। अरे कहीं कपड़ा तो धो ले। अरे अभी इतनी ढीली है तो आगे क्या करेगी? मुझे नहीं 80 साल पार कर दिए तो कमर एकदम सीधी है। मैंने किसका मुंह देख लिया जो सुबह सुबह मुझे जंगल में पत्तियां बेचनी पड़ रही हैं। आज सुबह तूने मेरा मुंह देखा है, आज तेरा कल्याण हो गया। जी तुम बूढ़ी की इच्छा। तू बुड्ढा किसको बोलती है? सर इधर आ, 80 साल पार कर ली है मैंने और कमर एकदम सीधी है। सर कहां ले जा रहे हो मुझे तुम? हां तो सही, लाश किसने मारा इसको? देखो मैं इस सर की ओर से पकड़ता हूँ और तुम पैर की ओर से, इसे इस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। सर जी मैं लाश को हाथ नहीं लगाऊंगी। खड़ी होनी, जिंदा आदमी है ये, इसलिए तो औषधि पीछी है। चल जल्दी आ, उठा। हाँ हरिओ हरिओ। मैं इधर से गुजर रहा था तभी से गिरा पड़ा देखा। पहले तो मैं सोचा कोई लौंडा नशे में धुत है, फिर मैंने इसे कराते हुए सुना। मैं नहीं होता तो उसका राम नाम सत्य था आज। अमरबेल भी पास नहीं मिल गई। लड़के का भाग्य सचमुच बड़ा अच्छा है, अमरबेल पास में कैसे मिल जाती। डोली में सावधानी से बिठाकर गांव ले आना, समझी? वात पित्त कफ त्रिदोष संतुलन बहुत आवश्यक है। जीवन और मौत के बीच की आंख मिचोली, लगता है मौत चल रही है। हरिओम हरिओम। दिमाग पूरा खिसक गया है, मुझे नहीं लगता कि आदमी जिंदा है। चेहरा तो देखो सफेद है। चुप कर, घास सूख तो रहा है तेरा, ले पकड़। अब दर्द हो रहा है? अब दर्द बहुत कम है।
बस देखना कल परसों तक तुम्हारा दर्द यो चुटकियों में गायब हो जाएगा। वैसे नाम क्या है तेरा? क्या नाम है तेरा? गजेंद्र। अरे वाह, तुमको अपना नाम याद आ गया, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं ना अपनी बुब्जी को बता कर आती हूँ। तुम्हें पता है बुब्जी भी बोले कि बहुत ही अच्छी खबर है, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। वो क्या है ना, तुम्हारे सिर की चोट बहुत गहरी है, पर देखना सब यूं ठीक हो जाएगा। वैसे अपना नाम क्या बताया था तुमने, एक बार फिर बताओ। गजेंद्र। पूरा नाम बताओ। गजेंद्र भट्ट। कहाँ का रहने वाला है? क्या पिसार का भट्ट है? नहीं। तो फिर कहाँ का रहने वाला है? अल्मोड़े का। अल्मोड़े का? यहाँ काली गंगा के बगैर कैसे पहुंचा? काली गंगा पता नहीं। तेरे सिर पे चोट कैसे लगी? पता नहीं। किसी ने मारा तो नहीं? पता नहीं। अच्छा अल्मोड़े में कहाँ रहता था? पता नहीं। अच्छा तुम अब आ रहे हो। हेमा, ओ हेमा, नातनी यहाँ आ तो। आई बुब्जी। जी। अभी और पूछताछ मत कर, आराम करने दे उसे। अच्छा ये तो बता, मेरी कमर सीधी ही है ना? सुबह ही तो बताया था कि सीधी कमर एक दिन में तो नहीं झुक जाएगी ना। बुढ़ापा घंटी बजाकर नहीं आता है, चुपके से आता है और कमर टेढ़ी कर देता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ठीक है, सुन लिया मैंने। जी, ये तो बताओ कि तुम इस लड़के का क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि इसे अब और कुछ भी याद आएगा। इतने महीने बीत गए हैं, अपना नाम छोड़कर इसे और कुछ भी याद नहीं, और नाम भी पता नहीं इसका अपना है या नहीं। हेमा जी, तुम आपका कहना ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम गजेंद्र है भी या नहीं, बस लगता है कि यह मेरा नाम है। मेरे अंदर सब गुड़मुड़ है, एक छाया चित्र है। ऐसा मैं कब तक यहां पड़ा रहूंगा? कब तक माने बुब्जी, देखा क्या लौंड क्या कुंडला रोज? आजकल के लौंडो से क्या उम्मीद की जा सकने वाली ठहरी, लौंडो की यारी गधे की सवारी। बुब्जी तुम भी ना कहां की बात कहां ले जाते हो। अब इस कहावत का क्या मतलब ठहरा बन? कौन सा याराना जोड़ रहे हो तुम? संगियात लगा रहे हो क्या? कमर सीधी है नजर तेज, पर तुम सटिया गए हो बुब्जी। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? 80 साल पूरे कर लिए हैं, 60 तो 20 साल पहले ही पूरे कर लिए थे मैंने। सुनो लड़के, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहां से जाने की सोचना भी मत। हेमा को तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है। समझे, तुम हमारे मेहमान नहीं हो, मरीज हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। फिर भी मैं जब तक यहाँ हूँ आप मुझे कुछ करने के लिए काम दे देते तो अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं बुब जी, लौंडा ठीक ही तो कह रहा है। हाँ ठीक ही है,
तुम रोज पास के जंगल में गज्जू के साथ घुमाया करो, थोड़ा घूमना तुम्हारे रक्त संचार के लिए ठीक भी रहेगा। सर की गहरी चोटों में समय लगता है पर तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। गज्जू के सर पे भी तो पेड़ गिरा था, 3 महीने लगे थे तब जाकर पहचाने लगा था वो हमें, याद है ना हेमा? कैसी बात करते हो बुबजी, क्यों नहीं याद होगा? और 3 महीने नहीं लगे थे, मुझे तो वो 2 महीने में पहचानने लगा था। ये किसकी बात हो रही है? गज्जू की। कौन है ये गज्जू? गज्जू मिले तो तुम उससे, हमारा बैल। तुम्हारी तरह उसके सिर पे भी बहुत गहरी चोट लगी थी, उस बेचारे की भी याददाश्त चली गई थी, पूरे 3 महीने लगे थे तब जाकर वो ठीक हुआ था। मुझे तो लगता है मैं गज्जू की तरह भाग्यशाली नहीं हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं खेती बाड़ी में आपका हाथ बटा दिया करूंगा और गज्जू के लिए चारा ले आया करूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन याद रखना जब तक ठीक नहीं हो जाते यहाँ से जाने की सोचना भी मत। तो हेमा जी मैं कल से गज्जू को चराने ले जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब एक तू गज्जू बैल में गजेंद्र आदमी, अरे तेरी याददाश्त वापस आ गई, अब मेरी कब आएगी? गज्जू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा? यो बाटो का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा, यो बाटो का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा, तेरे गला मूंगे की माला मेरे गला जंजीरा, तेरे गला मूंगे की माला मेरे गला जंजीरा, तेरी मेरी भेंट सुआ देवी का मंदिर, तेरी मेरी भेंट सुआ देवी का मंदिर, यो बाटो का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिर के पास, यो बाटो का जान्या परूली होगी, वहां अक्सर अपनी गाय चराने आती है, वो बहुत ही अच्छा गाती है, मैंने भी उसे कई बार सुना है, पर तुम इतना बेचैन क्यों भाई? कोई डरने की बात नहीं है। कुछ याद आया बेटे? छुमा जग जा मठु मठु जुला किले जा छे चम, आहा रुक मार मोती घुंघरनी बजा छुम, छुमा जग जा मठु मठु जुला किले जा छे चम, आहा रुक मार मोती घुंघरनी बजा छुम, छुमा जग जा मठु मठु जुला किले जा छे चम। Got
सोच के आया है। तू तो गया। देख, 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 देख। ये ले। चल एक हाथ ले, एक हाथ ले। अरे सुना है चंपावत वाले कोई नई आईडिया लेकर आया है। ये लो। तो हम कौन सा डर रहे हैं परमानंद काका? हाँ। अपने पास भी तो है ना एक परमानेंट आइटम। कौन? अपना गजेंद्र है कौन? अरे गजेंद्र के जवाने हाय हाय। साले सपने देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी गजेंद्र की जवानी हाथ किसी के ना आने। साले रामी रामी सुन रहे हो तुम लोग? सुनो सुन लो, पिथौरा गढ़ का शरद मेला है भाई, कोई मामूली बात नहीं है। इस बार कुछ तो धमाकेदार करके ही दिखाएंगे। हाँ यार केदार, पर इस बार वो बेडू पाको बारामासा तो मत ही रखना। बेडू के साथ मैं भी पक गया हूँ। इस बार तो कुछ अच्छा होना ही चाहिए केदारी, इज्जत का सवाल है। अरे धार जमानी है धार, और धार जमाने के लिए तो अपने पास एक ही है, अपना गजेंद्र। आदित्य ने चढ़ा था का? अरे कहा चढ़ा रहा, ठीक ही तो कह रहा। अब हम कहा धाक जमा सकने वाले ठहरे, हमारे किए तो दही भी ना जमे। ये ननद भाभी पर आधारित नृत्य गान कैसा रहेगा? अरे बात चला। हाँ हाँ। ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसमें तो एक से एक गाने भी मिल जाएंगे। 18-20 गाने तो मेरी भाभी को याद होंगे। नहीं नहीं, ये ननद भाभी वाला आइडिया ही बेकार है। ये लो, अब ये भी आइडिया देने लगे। अरे तुझे कुछ ही कौन रहा है? किधर किधर, ये लड़कों का ग्रुप है। हाँ है तो क्या, इसको शक है ना अपने पे? केदार जब ग्रुप लड़कों का है तो लड़कियों वाला गाना क्यों सुन रहे हो? अरे यहाँ लड़का लड़की का प्रश्न कहाँ से आया? यहाँ प्रश्न है पिथौरागढ़ के शरद मेले में एक जोरदार प्रस्तुति का। हाँ, प्रश्न है इज्जत का, प्रश्न है चंपावत वालों के सामने धार जमाने का। काका है? तुम चुप करो। अरे बैठो वहां। अरे समझाओ। केदार जब हमारे ग्रुप में एक भी लड़की नहीं है तो ऐसा गाना क्यों चुन रहे हो जिसमें दोनों पात्र लड़कियों के हैं? अरे फिर तुम किस पर की दवा हो? भूल गई, पिछले मेले में घसिया रंग के रोल के लिए तुम्हें कितनी तालियां मिली थी। हाँ, 8-10 सीटें तो मैंने मारी थी। मैं इस बार लड़की नहीं बनने वाला। ये लो। घाघरा नहीं पहनने वाला मैं। अरे तुम मत पहनो घाघरा, साड़ी पहन लो। अरे हाँ, अब स्कर्ट तो तुम पहन नहीं सकते भाई, पांव में उस तरह चलाना पड़ेगा ना, और वैक्सिंग तो तुम्हारी कोई याद करके सलाह। अरे चुप कर दो। अरे सुन सुन सुन, हाथ किधर आ? सीरियसली, अरे हमारे ग्रुप में ऐसा कौन है कि जिसके पास तुम्हारे तरफ लटके झटके हो? और मुझे हर बार लड़की का रोल क्यों मिलता है यार? ये भी बताना पड़ेगा। अरे ठीक है, तय हुआ, ठीक है तय हुआ। इस बार ननद का रोल रामी करेगा। मैं क्यों क्यों कैसे यार? तुम क्यों नहीं? अरे मैं करूंगा तो ना इधर का लूंगा ना उधर का, वो मुझे नहीं लगना, मैं नहीं करूंगा। फिर जो कर सकता उसका मजाक क्यों उड़ा रहा है तू? कहां, मैं तो अरे यार, अरे मेरे गजेंद्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुबू, सॉरी बोलो, मान जाना सॉरी। साला नौटंकी। जो भी हो केदार, मैं इस बार घाघरा नहीं पहनने वाला। चला इधर। क्या है काका? एक बात बता, तू लड़का है या लड़की? क्या ये उपटांग सवाल पूछ रहे हो काका? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने तो तुझे लड़का समझ रखा था, लेकिन तू नखरे कर रहा है ये लड़कियों वाले। कहीं लड़कियों का रोल करते करते तुम भी लड़की की तरह तो नहीं बन गए? आहा काका, तुम भी पट्टे में अंगुली डाल ही लो, जब सभी फिक्रे कसते है तो तुम क्यों पीछे हटो? अरे ना मैं कुछ कस रहा हूँ ना ही कुछ ढीला कर रहा हूँ, हजार बातों की एक बात कि करना है तो करना है। चलो ठीक है भाई, एक बार फिर सही। केदार तुम चिंता मत करो, मैं भाभी का रोल निभा दूंगा। पर ननद का रोल कौन कर रहा है? परमानंद
काका तुम्हारे तरह रहेंगे वहां पर, लेकिन उनके पास तुम्हारे तरह लटके झटके। ठीक है काका, चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस चलो काका। गाना मैंने तैयार कर लिया है। नौ हाथ छह हाथ छोरी नौ हाथ फुन्ना तुए के लटीच लटी को फुन्ना। लगता है तुमको कुछ और ही मंजूर है। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इस छोटे से नृत्यगान में अड़ंगा डाल दिया। अरे केदारी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार, ये सच है क्या? यार खुद ही देख लो। अरे काका, परसों शो है और ये परमानंद काका को तेज बुखार है, गला बैठ गया है अलग से। जा, बाबा। अरे काका, तुमने तो लुटिया ही डुबो दी। ये नहीं हुआ कि दो दिन बाद बीमार पड़ते। हमारी मंडली में ऐसा कोई नहीं जो इस रोल को कर सके। लो साले, और सुनो लड़की वाले रोल। अरे कितना कहा था कि भैया लड़कों का ग्रुप है, भाई भतीजे वाला गाना चुनो, पर नहीं। अरे अब तो डूब गई ना लुटिया, काम करेगा ननद का रोल। अरे इतना मत उछलो, जब मालूम पड़ा था कि परमानंद काका बीमार पड़े तो मैं भी चुप नहीं बैठा, दौड़ धूप कर ही रहा हूँ। दौड़ धूप करके पता नहीं क्या साधने वाला है। ए काका, तुम अब चुप करो तो। खैर मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वही था कि तीन पास। अरे आप कौन सा तीर मार लोगे? बिगड़ी बना दे शिवजी महादेव। केदारदा, अरे केदारदा, लगता है सच में शिवजी की कृपा हो गई, काम बनने के आसार है। हा? मैं अभी आया। कौन है चेला? हाँ गजेंद्र। हाँ काका, किसी को कहते हैं लगन के वक्त हगन। हाँ। एक तो ऐन मौके पर बीमार पड़ गए, सबसे ज्यादा हो हल्ला भी यही कर रहे। केदारी ठीक ही कह रहा था, अरे काका दो दिन के बाद बीमार नहीं पड़ सकते थे। हरामी हरामी, तो ठहर जा। आई जा, एक बार मैं ठीक हो लूं फिर तुझे मजा चखाता हूं। बहनी तुम एकदम चिंता मत करो, सब घर के ही लोग हैं। ये रामी है और वो जो संगे मरमर के ऊपर गोबर की तरह पड़े हैं ना, वो परमानंद काका है। एन वक्त पर बीमार पड़े हैं, तो सब ठीक जा रहा था। है केदारी, मैं कोई जानबूझ के थोड़ी बीमार पड़ो, मेरे वश में थोड़ी था ये। क्यों नहीं है वश में? 15 अगस्त को किसी प्रधानमंत्री को बीमार पड़ते देखा है? क्या बोल रहे हैं? खैर ये गजेंद्र है, हमारे ग्रुप का सबसे अच्छा कलाकार है और सबसे अनुभवी कलाकार है। कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो सुधार लेगा, तुम बिल्कुल घबराना मत। ठीक है चलो, पहले मैं तुम्हें सीन समझाता हूँ। रामी, अरे इतनी ढीली ढाली लड़की देखी है कभी? अरे ये क्या करेगी ननद का रोल? अरे यार सब कुछ ही तो बेमेल है, जींस के ऊपर दादाजी की मंकी कैप। शिवजी शिवजी। हाँ काका, अब तो शिवजी की कृपा हो जाए, वरना ये शो तो डूबा समझो। हाँ अरे नालायको, वो असल है असल, हम लोग तो उसी की नकल कर रहे थे। अब जो कुछ भी करेगी हमसे अच्छा ही करेगी। कदम सब समझ में आए ना? धुन तो तुम्हें मालूम ही है, कदम मैंने समझा दिए हैं।
जरा करके दिखाओ तो। अभी तो नहीं होगा मुझसे, गाने का एक सीडी दे दो, अब जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा वो सीधे स्टेज पे ही करूंगी। ठीक है चलो मैं तुम्हें सीडी देता हूँ। अरे तुम सबके कारण मैं अब तक इस फ्लॉप शो से जुड़ा हूँ। कोई और होता तो कब का अपना नाम वापस ले लिया होता मैंने। खबरदार तुम नाम वापस लेने की बात की तो चंपावत वाले उल्टी छुरी से नाक काट देंगे। अरे मंकी कैप को छोड़ो, आंखें देखी उसकी? अरे आंखें है या गहरे नीले रंग की दो झीले है, और रंग कितना गोरा है उसका। हाँ यार आंखें नीली है रंग गोरा है। अबे पब्लिक ये देखने नहीं आएगी कि आंखें नीली है या पीली है, रंग गोरा है या काला है, वो ये देखने आएगी कि नाचती कैसा है गाती कैसा है, ये सोच कुछ कर भी पाएगी स्टेज पे। हाँ यार केदार, क्या वो कुछ कर भी पाएगी, कहीं जनता से हमें पिटवा ना दे। अरे इतने कम समय में मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने कर दिया, बस यही एक मिली, और बड़ी मुश्किल से उसके परिवार वाले राजी हुए, शो नहीं करने से तो मिट्टी पलिद हो जाएगी, वैसे अपना गजेंद्र है ही वहां संभालने के लिए। ठीक है तो कैसे के जैसे तैसे निकाल लेंगे यार, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और ये जवान लड़की को मेले में अकेले कौन छोड़ता है। अरे इस प्रोग्राम के तो भगवान ही मालिक है, ए त्रिपुरारी हमारे छोटे से प्रोग्राम में तुम अपना प्रोग्राम क्यों घुसेड़ रहे हो, बस परसों हमारी पत रख लेना। देखो भगवान परसों चंपावत वालों के सामने हमारी इज्जत की ऐसी तैसी मत कर सब तैयार हो। अरे 15 मिनट में पर्दा खुलने वाला है। गजेंद्र चेकलिस्ट देख ली तुमने? अरे नहीं। इधर लाओ, कहाँ है? अरे जाए। इधर लाओ। लहंगा चेक, आस्ता चेक, नेल पॉलिश है, नाक की कील। अरे नाक की कील? अरे कहीं तो रखिए, पहनता हूँ। यार तू डुबाएगा। यार मैं पहले ही नर्वस हूँ, और नर्वस मत करो। गले की माला है, पायल चेक, छाती चेक, चोली। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे बिना चोली के छाती कैसे टिकेगी। ठीक है ठीक है, सब कुछ चेक कर लेना, अच्छा है। हाँ बोलो आगे। बाल है, बालों में फूल। अबे चुप। रूद लिपस्टिक। अरे सब तरफ से लेस। क्या लग रहे ले गुरु। अरे चुप। पहली बार किसी लड़की के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ झिझक मालूम हो रही है, मुझे तो लगता है उसके सामने एकदम कार्टून लगूंगा। लड़की के सामने लड़की बन कर जाते हुए लगता है कि चोरी कर रहा हूँ। चोरी कहे कि गुरु, अरे भाई कलाकार हो तुम, कलाकार। लो आ गई तुम्हारी हीरोइन, शुक्र है मंकी कैप उतार के आई है। अबे क्या कर रहा है, लगता है तुमने लड़की पहले कभी नहीं देखी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अबे पिटवाएगा क्या, उसे ऐसा क्यों घूर रहा है। अरे मैं नोट कर रहा था कि मेरे मेकअप में क्या क्या कमी है। अबे अगर रुकमा बिदक गई ना तो मेरा जूता और तेरा सिर। अबे वो लड़की है, कोई भैंस नहीं जो बिदक जाएगी। मुझे ऐसे मत देखो, लोग देख रहे हैं। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है रुकमा। पर्दा खुलने वाला है, प्रोग्राम के बाद मिलो ना। दादा लेने आ रहा है।
तो कल सुबह उल्का देवी के मंदिर में मिलो ना। अबे पर्दा खुलने वाला है, स्टेज पे जा, स्टेज पे। अबे आओ गजेंद्र, साले होश में आओ, अपनी जगह पे आओ। अरे इधर आओ। हे शिव जी, जब भगवान वालों के सामने इज्जत रखे। पर्दा। अबे रामी, हाँ साउंड क्यों नहीं आ रहा? अरे पता नहीं यार, दिख तो सब ठीक ही रहा है, आवाज नहीं आ रही। अबे तुमने स्विच ऑन नहीं किया होगा, जरा देखो तो। अबे क्या बात कर रहा है, डिस्प्ले में साफ दिखाई दे रहा है, आवाज ही नहीं आ रही यार। जरूर ये चंपावत वालों का कारनामा होगा। अरे काका चुप करो। केदार साउंड क्यों नहीं आ रहा? अरे सिस्टम बैकअप कर गया है। भगवान, अरे रामी ऐसा क्यों बैठा है, साउंड क्यों नहीं आ रहा है? केदार क्या हुआ? अरे सिस्टम बैकअप कर गया, खुद ही कहते। अबे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? धीरे बोल। अबे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? शिवजी काका तुम चुप करो। अरे जैसे तैसे निकल दे यार, इसके बाद मैं समझा ले लूंगा। अंदर बहुत गड़बड़ है, मैं ही जैसा तैसा गाता हूं। अबे गाना, मुझे गाने की लाइन याद नहीं है। अरे रामी गाने की लाइन बता यार। किस लाइन की बात कर रहा है यार? काका काका गाने की लाइन बता यार। काका की लाइन याद आ गई, गाने की लाइन याद आ गई। छे हाथ नहीं नौ हाथ। तू भाभी का रोल कर रहा है, लड़कियों की तरह आवाज बना। चंपा फूली यो सरसों फूली खेत हो यो दिन यो मास अब माला मेर गला जंजीरा तेर गला मूंगे की माला मेर गला जंजीरा तेरी मेरी भेंट सुआ देवी का मंदिरा
यूं बाटों का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा यूं बाटों का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा यूं बाटों का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना हर समय मजाक मखोल इतना बड़ा शोर इसका तो अपना काम पर ध्यान ही नहीं है इसे तो कोड़े लगाने चाहिए और उसके ऊपर नमक और मिर्च डालना चाहिए अरे यार अब साला साउंड सिस्टम पैकअप करके तो उसमें मेरी क्या गलती है तुम साले सारे मुझे काटने के लिए क्यों दौड़ रहे भाई केदार ये रुक्मा कौन है अरे मेरे एक मित्र की बहन रुक्मिणी तुम नहीं जानते उन लोगों को आने दो उसे पहचान करवाता हूँ सबसे वो तो गई कहाँ गई उसका भाई आया था ले गया अपने साथ गई अरे वो भी क्या सोचती होगी यार हमारे बारे में अरे कहाँ हमारे बारे में कहाँ तुम्हारे बारे में और सुनने की हिम्मत नहीं है यो बाटों का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा त्यार गला मूंगे की माला मेर गला जंजीरा त्यार गला मूंगे की माला मेरी गला जंजीरा तेरी मेरी भेंट सुआ देवी का मंदिरा तेरी मेरी भेंट सुआ देवी का मंदिरा यूं बाटों का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा यूं बाटों का जान्या होला सुरा सुरा देवी का मंदिरा हो जाए फूली मेरा नाम गजेंद्र है मालूम है केदार दा ने बताया था तुम्हारा नाम रुक्मा बहुत प्यारा है रुक्मा तुम्हें मालूम है रुक्मा कई पहाड़ी गानों की नायिका है क्या तुम मेरी नायिका बनोगी वंशक होगी रुक्मा बहाना बनाकर इतनी चढ़ाई चढ़कर तुम्हारे पास आए गजेंद्र अब मैं चलती हूँ फिर कब मिलोगी रुक्मा फिर कब होगी भेंट
लगता नहीं गजेंद्र, आज दिन को ही हम डाक बंगला छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ? अपने गांव, नवगांव। वो बड़ाई के ऊपर वाला? क्या तुम द्योचुली का मंदिर जानती हो? हाँ। क्या तुम मुझे वहां मिल सकोगी रुक्मा? मैं परसों दिन में 10 बजे तुम्हारी वहां प्रतीक्षा करूंगा। अरे यो न छुपी रीति मेरी परल दीवानी, चार दिन की जिंदगी तू सबन कहानी। कितना अच्छा है ना कि
गौ माता हमें मिलाने में सहायक हो रही है। गजेंद्र, हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। अरे यहां तक तो आ गए, अब आगे की राह बनानी है। गजेंद्र, तुम तो इस ओर के नहीं हो, फिर इस मंदिर के बारे में कैसे जानते हो? कुछ लोगों के साथ मैं गढ़मेश्वर गया था, यहीं से होकर गया था। मेल? हमारे आंगन में पेड़ है, बहुत मीठे मेल लगते हैं। निशब्द रात, ये स्वच्छ चांदनी पेड़ों पर, ये झींगुर का बोलना और ये मेढक की टर टर। कोलाहल से दूर इस गहन वन में क्या स्वर्ग उतरा है धरती पर? तारों भरा आकाश, ये मधुर मंद बयार, हौले हौले से उठते तुम्हारे केश अपार, ये चंचल नयन तुम्हारे लिए एक मंद हास, कर रहे शरारत होंठ, बोलने का है कुछ प्रयास। चलो भूलते हैं भूत और भविष्य को, हम इसी पल का है अस्तित्व, इसी के लिए जिए हम। आगे तो आएंगे नित्य जीवन के झमेले, कल तो आएंगे छोटे बड़े दुखों के मेले। चलो बदल डालते हैं समय काल का विधान, बनाते हैं एक आयु, इसी पल को खींचदान। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, वो ये कि एक अनजान व्यक्ति के पीछे इस तरह खींचे चले जाने की औचित्य क्या है? क्यों क्यों मैं इस तरह विवश हो रही हूं? मन और मस्तिष्क के संघर्ष के बीच में क्यों मन विजय पा रहा है, जबकि पास मेरे पास अपनी मन की मानने का कोई विकल्प है ही नहीं? आज के इस अल्ट्रा आधुनिक युग में भी मैं वाग्दत्ता हूं। पिताजी मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ने से पहले वे बाराकोट में मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं। क्या इस व्यवस्था को दांव में लगाने का अधिकार है मेरे पास? रुको, गजेंद्र एक मरीची का है, मत जाओ सर, उधर काटे ही काटे हैं। अरे जब ये जग विदित होगा कि नौगांव की रुक्मिणी, इंद्रदेव की बहन, लोकलाज को ताक पर रखकर ध्योलचुली की मंदिर में किसी गजेंद्र से मिलने जाती है, तो दादा क्या सोचेगा? भाभी चोटी पकड़कर बाहर निकाल देगी, बाराकोट वाले तो खैर हमसे हुक्का पानी ही बंद कर देंगे। मुझे अपने ऊपर लेश मात्र भी अधिकार नहीं है, क्या मैं कुछ भी अपने मन की नहीं कर सकती? क्या किसी से प्यार करने का मुझे अधिकार नहीं है? मुझे अधिकार है, प्यार के इस इंद्रधनुष का छोर मैं अवश्य देखूंगी। ये सब गलत हो रहा है, पर मेरे लिए शायद सही हो रहा है। बकवास धन सिंह भी ठीक ही कह जाता है कभी कभी, गलत भी हो पर ठीक ही भी हो।
घनघोर जंगल में उस पहाड़ी के चोटी पर बिना आगे पीछे सोचे रम जाऊंगा तो मैं उसे पागल कहता। अरे पागल तो नहीं तो और क्या कि मैं उस धनसिंह के सहारे यहाँ टिका हुआ हूँ। कब तक यहाँ मैं घूम रहा हूँगा पता नहीं, कल क्या करूंगा अब तक सोचा नहीं। और धनसिंह मुंह बंद रखने वालों में से नहीं है, पता नहीं किसी से क्या कहता फिर रहा होगा। और रुकमा के घर वाले सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे आखिर है क्या सवाल इनका? इस मोबाइल वाले युग में भी प्यार ने मुझे इस जंगल में आके पटक दिया है जहां कोई गांव वाले तो गांव वाले हुए। मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, जो मैंने सुना वही बोल रही हूँ। गांव वाले तो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने सुना है कोई उसे रुकमा रंगीली कहता है तो कोई नकटी रुकमा। ये क्या बकवास है? देखो ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। रुकमा नैनीताल की पढ़ी लिखी लड़की है, शालीन है, यहां के लोगों की तरह गवार नहीं है। तुम उसके आचरण पर संदेह कर रही हो। रुकमा रंगीली, छी छी, कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हो तुम? यहां अपनी नाक कटी जा रही है पर तुम्हें भाषा की पड़ी है? एक बार नाक कट गई तो शुद्ध संस्कृत बोलने पर भी नहीं जुड़ पाएगी। गांव के लोग गवार हैं पर अंधे नहीं। जब इतने लोगों ने रुकमा को देव चिली के जंगल में किसी के साथ देखा है तो कुछ तो बात होगी। क्या बात कर रही हो? जाके देख क्यों नहीं आते? देखो तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। लोगों का क्या है, वे तो तिल का तार बना देते हैं, राय का पहाड़ बना देते हैं। बोलो ठीक है पर यहां तो सुनना मुझे को मिलता है ना। जब तुम्हें अपनी बहन पर इतना विश्वास है तो जाके देख क्यों नहीं आते? तुम्हें डर किस बात का है? मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, मैं लोगों का मुंह तो जवाब दे सकूंगी। है हो
ठीक है भाभी, तुम इतना कहती हो तो मैं कल ही देखाऊंगा, तसल्ली भी कर लूंगा। तसल्ली कर लेना ही अच्छा है। हाँ हाँ कह दिया, तसल्ली कर लूंगा। क्या करोगे? जो कुछ करना था कर दिया। बहुत अच्छा किया। चलो जाओ चोटी। सुनने में आया था कोई शहरी लौंडा है, आसानी से मान गया ना कि धमकाना पड़ा। क्या हुआ? सुनती हो? मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य कर डाला है। क्रोध ने विवेक छीन लिया था मेरा। नाश काले विपरीत बुद्धि, Gajendra!
सब्जियों में घास काटने जा रही हूँ। खाना भदेरी में ढक रखा है, भूख लगे तो खा ले। मुझे नहीं मालूम मेरे कहाँ गया। वैसे वो जाने वाला आदमी नहीं है, मुझे तो लगता है वो कहीं नहीं गया होगा। कहीं नहीं गया? नहीं, कहीं नहीं गया। फिर कहाँ है? सबको मालूम है वो कहाँ चला गया, पर मुझे कोई नहीं बता रहा वो कहाँ चला गया। अरे मुझे सचमुच भी नहीं मालूम बेटी वो कहाँ गया। बाबू साहब चले गए, ये बहुत गलत हुआ, पर ठीक भी हुआ। अरे कब तक उस जाने ले विराने में पड़े रहते हैं? वैसे आदमी वो अच्छे हैं, एकदम सही है, पर भरोसे के हैं। पर बहनी, अजनबी आदमी पर विश्वास करना तो गलत हुआ, पर ठीक भी हुआ। अच्छा बहनी, मैं वड्डा जा रहा हूं, अगर उसके बारे में कोई खबर मिले तो सबसे पहले तुमको ही बताऊंगा, ठीक है? काड़ू बूढ़ा मेरा खूटा पीड़ा हो तो काही ने गई सुवा और हमसे ऐसी बात करती है। मुझे उसी दिन पता चल गया था
कि एक को ठिकाने लगाने से कुछ नहीं होने वाला। उस दिन तुम जोजोरी के जंगल में एक के बदले अगर दोनों को ठिकाने लगाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। चली गई, वो कहां गई किसी को नहीं मालूम, यह भी नहीं मालूम कि वो जीवित भी है या मर गई। जब वो घर से निकली थी पहले ये कपड़ों में निकल गई थी, अपने साथ कुछ भी नहीं ले गई थी। इंद्रदेव इस बात का गुमान भी नहीं कर पाया कि वो अपना घर छोड़ देगी। उसने बहुत खोज की, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, सब जगह आदमी दौड़े, अपनी जान पहचान के सहेलियों की ओर पूछा। उसने इस बात की रत्ती पर पारा नहीं की कि उसकी बहन भाग गई है करके लोगों को मालूम हो जाएगा तो वे क्या कहेंगे, पर वहां पता नहीं चला। चमेली में हिमपात हुआ था, चारों ओर सफेदी सफेदी छा गई थी, सब कुछ जम गया था। पीने के पानी के लिए लोगों ने बर्फ डलाई,
ठंडी इतनी कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। बस सेंटर के आसपास बैठकर आग तापने के सिवाय कोई दूसरा चारा न था। घर घर इन बैठकों में चर्चा का विषय एक ही था, रुकमा और गजेंद्र की कहानी। गजेंद्र कौन था, कहां से आया और कहां गया? क्या सचमुच उसे बाघ टगोर कर ले गया था? रुकमा कहां गई? उसने भाई की नाक काटी थी या नहीं? बालाकोट वालों ने क्या कहा? हजार वो हजार बातें। कुछ लोग तो यहां तक कहते कि गजेंद्र और रुकमा दोनों अभी नैनीताल में हैं और बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। जो भी हो, उन दोनों के किस्से की गर्माहट से लोगों का जाड़ा कट गया। जाड़ा कटा, वसंत का आगमन हुआ, रंग बिरंगे फूलों से घाटियां मनभावनी हो उठी। देवल चूली के जंगल में गोमूत के फूलों ने लालिमा बिखेर दी। गांव में बच्चे मिसालू किलमोरे और बेल आदि के फलों को ललचाई दृष्टि से देखने लगे और ऐसे में एक दिन एक दुबला पतला नौजवान काली पार की ओर से नौगांव पहुंचा। जब उसने पूछताछ की तो लोगों ने उसे इंद्रदेव के दरवाजे पर पहुंचा दिया। शादी की बात करने के लिए स्वयं ही आना पड़ा है, इसे आप अन्यथा ना लें। मैं पहले ही आ जाता लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण ना आ सका। बहुत गहरी चोट लगी थी। चोट कैसे लगी? मुझे नहीं मालूम कि चोट कैसे लगी। गहरी चोट भी बता रहे हो और ये भी नहीं मालूम कि कैसे लगी। जी मैं पहले ही आ जाता लेकिन आने से पहले रुकमा की मर्जी जान लेना चाहता था, इसीलिए कुछ दिनों के लिए जोचली मंदिर में डेरा जमाया था। पर पता नहीं चोट कैसे लगी। जब होश आया तो नीचे काली नदी के किनारे था, वहां वैद्य चिंतामणि ने मेरा इलाज किया और जो ही होश आया आप लोगों से मिलने चला आया। देखो भैया, हम लोगों का ये छोटा सा गांव है, यहां सभी को सभी के बारे में सभी कुछ पता रहता है। अभी तुम कितनी ही मीठी चुपड़ी बातें करो पर तुम्हारे कारण रुक्मिणी बहुत बदनाम हुई है और हम लोगों को भी लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ा है, समझे ना तुम? तुम्हारे कारण रुक्मिणी की शादी टूटी है, वो घर से भाग गई है, उसने अपना मुंह काला कर लिया। जो बात चतुर्विदित है वो तुम भी जान लो। तुमने पहले ही हमारा बहुत अनिष्ट कर लिया है, अब हम पर एक और मेहरबानी करो, अपना मुंह काला करो। Ah!
उसके अगले दिन वो चाय वाले मोहना ने उसे अड्डा में देखा। धन सिंह रुकमा का पता लगाना होगा। अरे कहां गई होगी? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं जोगी बन जाऊंगा। आह क्या प्रेम कहानी सुना है। नायिका तो जोगी बन गई है, अब नायक भी जोगी बनने जा रहा है। कवि साहब आप दोनों से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जोगी बन जाऊंगा। मेरी जो ज्ञानी माया की डोर सुहा छयो जिंदगानी। जब आप पक्का डिसाइड कर लो ना तो मुझे जरूर बताना। वो उल्का देवी मंदिर के पास परमिया पांडे मिलता है, वो उससे तुम गेरुआ वस्त्र कंबल कमंडल सब सस्ते में ले ले। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है यार, पर उल्का देवी के मंदिर की अच्छी याद दिलाई तुमने। अरे वही तो उसने कहा था। बहाना बनाकर इतनी चढ़ाई चढ़कर तुम्हारे पास आई हूँ गजेंद्र। मैं वही जाता हूँ। अरे देवी ही कोई मार्ग दिखाए। बहुत अच्छा हुआ कौन साहब जो तुम मिल गए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक था राजा एक थी रानी, राजा मर गया खत्म कहानी। रुकमा भी जरूर मिल जाएगी बाबू साहब, जरूर मिल जाएगी। हाँ हाँ परमिया पांडे से मिलो ना तो मेरा नाम जरूर लेना। अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। ये बजुनी चढ़ाई बहुत ही विकट है। अरे चलना बहनी, बस थोड़ा सा रह गया। नहीं दा, अब मैं एकदम नहीं चल सकती। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है, एक काम करो। हाँ। मेरा चढ़ावा तुम ही चढ़ा देना और प्रसाद यही ले आना। ठीक है बहनी, तू यही बैठ। ऐसी हालत में तुझे ज्यादा चलना भी नहीं चाहिए। मैं आता हूँ। हाँ वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादा तबीयत ठीक है, तुम चिंता मत करो। अच्छा सुप्पा भरी धान सुआ सुप्पा भरी धान, तेरो लाग्यो मिसा ससुआ सुप्पा भरी धान। क्या ही अच्छा हो रुकमा उसी दिन की तरह आज भी आ जाए। रुकमा और रुकमा, अरे ये तो साला गजेंद्र है। फिर गजेंद्र ही है। यहां गजेंद्र वहां रुकमा। अबे वो गजेंद्र की जवानी सारे। अबे नामी नामी। अबे तू कहां चला गया था यार, कहां था इतने दिन? चल यार। अरे क्या हुआ, इतना उजड़ा उजड़ा क्यों लग रहा है? चल बैठ, उस दिन तो जीत के चला गया था ना, आज बदला दिखाता हूं। बैठ आजा। चल चल रामी हरामी। उजड़ भी गई तो दिल्ली है, क्या खाकर जीतेगा मुझसे? दिखाता हूं। पहले ये बता मुझको कि केदार और परमानंद काका कैसे? अरे उनकी मत पूछ यार, उस बात को इतने महीने हो गए लेकिन अब भी मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। तू ही बता साला, साउंड सिस्टम पैकअप कर गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे यार और सुन, परमानंद काका ने किसी से बाजी लगा रखी थी क्या, कि अगर चंपावत वाले जीते तो वो एक साल तक अपना सिर मुंडवा के घूमेंगे, और जीते तो चंपावत वाले ही। यानी परमानंद काका आजकल अपनी चमचमाती खोपड़ी के लिए फेमस हो रहे हैं। तू हमारी छोड़, ये बता कि तू कहाँ था, कहाँ रहा इतने दिन? रामी मैं वहां था जहां से मुझको मेरी ही खबर नहीं मिलती थी। क्या लुटे हुए आशिकों जैसी बात कर रहा है यार,
कहा था कि जहां तुझे तेरी खबर नहीं मिलती थी। हमने तो सुना था कि तू उस मंकी कैप वाली लौंडिया के चक्कर में जान से मारा गया। अरे भाई, हमने तो गांव में शोक सभा तक कर ली थी और तू आज ये मिस्टर इंडिया की तरह प्रकट हो गया। कमाल है यार। मैं उस शरद के मेले के उस प्रोग्राम के बाद रुक्मणी से मिलने उसके गांव गया। हाँ फिर उसके बाद रुक्मा की खोज ही अब जिंदगी का लक्ष्य है। कितनी भयानक बात करता है यार तू। सिर में चोट एक तरफ लगी थी ना, शायद बैलेंस बिगड़ गया तेरा। अरे याद आया, नीचे मेरी बहन बैठी है द्वाराहाट से आई हुई। चल चल चल, तुझे मिलवाता हूं। अरे द्वाराहाट पे तो तेरे भाभी भैया है, ये बहन कहां से आ गई बताता हूं ना। चल तो सही, आजकल हम उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। चल आ जा। अबे आ जा, तू भी देख ले, क्या पता तुझे भी पसंद पड़ जाए। कब तक उस मंकी कैप की याद में घुलता रहेगा मेरे भाई। अबे साले आ जा। गजेंद्र नहीं, क्या हो रहा है मुझे? रामदा, मुझे कुछ हो रहा है। गजेंद्र कैसे हो सकता है? उसको तो दादा ने मार डाला था। नहीं रूपा, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। हाँ बहनी, तुम यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ, बड़ी लंबी कहानी। मेरी भाभी जा रही थी वड्डा से पिथौरागढ़। रास्ते में बैठी हुई मिली उन्हें एक चट्टान पर, भूखी प्यासी विक्षिप्त अवस्था में। भाभी इसे अपने साथ घर ले गई। बाकी कहानी तो भाभी सुन लेना यार। अरे अरे गजेंद्र जिंदा है, अरे गजेंद्र जिंदा है। देखा किनारी मैंने कहते लगते हैं राज जी भी दीपक अजमानी ही बने थे। करियूरी अब मिलिया हमारी सबसे छोटी कलाकार डेजी हुकर से। प्रकाश डिजाइन और व्यवस्था रवि शेट्टी की थी। सेट डिजाइन और व्यवस्था प्रियंका कटारिया की और उनकी सहायक टीम की सत्या की वाइफा पत्नी नेहा। वेशभूषा की देखरेख कर रही थी संगमित्रा राउत। संगीत संचालन रोहन निम्बालकर का था और उनके सहायक थे अरुण कुमार। टिकट काउंटर पर मालविका कलोन। नाटक के लेखक निर्माता निर्देशक मथुरा कलोई।